जैसे ही वर्ल्ड कप में तीसरी जीत जीता पाकिस्तान, बदल गए सारे समीकरण। क्रिकेट जगत में मच गया कोहराम। वर्ल्ड कप में फिर से एक बार हो सकता है आमने सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वर्ल्ड कप की लड़ाई अब 19 दिन पहले ही सबसे रोमांचक मोड़ पर आई। इंडियन टीम सेमीफाइनल में एक बार फिर से कर सकती है पाकिस्तान की धुलाई। अभी भी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं मेरे भाई। अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने क्रिकेट फैंस की नींद उड़ाई। नीचे कमेंट में बताओ कि आप भी इंडिया और पाकिस्तान का फिर से देखना चाहते हो महामुकाबला। जी, टीम इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं। एक बार फिर से आपको वर्ल्ड कप में वही मजा मिल सकता है जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में मिला था, जब कोहली ने हारिस सौफ को लगातार 2 छक्के लगाकर पूरे मैच का पासा पलट दिया था और 82 नॉट आउट बनाकर मैच को टीम इंडिया के नाम कर दिया था। हारा हुआ मैच जिताकर पाकिस्तान को बदनाम कर दिया था। अब वही मौका एक बार फिर से आ सकता है। टीम इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आमने सामने भिड़ सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो आखिरकार कैसे टीम इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको पॉइंट टेबल देखना पड़ेगा। देखिए, अभी टीम इंडिया 6 मैच में 6 जीत और 12 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है, यानी कि टीम इंडिया का क्वालिफिकेशन लगभग तय है। टीम इंडिया का सेमीफाइनल पहुंचना लगभग तय है, और टीम इंडिया अगर बाकी के 3 मुकाबले जीत लेती है तो वो टॉप पर ही फिनिश करेगी। ऐसे में टीम इंडिया का सेमीफाइनल 4th नंबर की टीम से होने वाला है। अब 4th नंबर की टीम कौन हो सकती है? वहीं 4th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी के 3 मैच जीत जाती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया ही टीम इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी के 3 में से 2 मैच हार जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया 9 में से 5 ही मैच जीत पाएगी। ऐसे में उसके 10 पॉइंट रहेंगे। बस यही रास्ता है जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। पाकिस्तान को पहले तो अपने 2 मैच जीतने होंगे, तब जाकर उसके 9 मैचों में 5 जीत होंगी और 10 पॉइंट होंगे। इसके बाद पाकिस्तान को ये दुआ करनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी के 3 में से 2 मैच हार जाए। अगर ये हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दोनों के ही 9-9 मैच और 5-5 जीत हो जाएंगी, यानी कि दोनों के बराबर 10-10 अंक हो जाएंगे। ऐसे में जिस भी टीम का नेट रन रेट ज्यादा होगा वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और जैसे कि पाकिस्तान के अभी 2 हल्के मैच हैं, पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब हो सकती है। अगर पाकिस्तान 2 मैच बड़े मार्जिन से जीत ले और ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मैच बड़े मार्जिन से हार जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस स्थिति में पाकिस्तान 4th नंबर पर पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए उसे एक और दुआ करनी पड़ेगी। उसे ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी अपने बाकी के 3 में से कम 2 मैच हार जाए, क्योंकि अफगानिस्तान 6 में से 3 मैच जीत चुका है और अगर वो बाकी के 3 मैच जीत गया तो वो 6 जीत और 12 पॉइंट के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दोनों को पछाड़कर नंबर 3 या नंबर 4 पर फिनिश कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को अपने 2 मैच हारने पड़ेंगे बल्कि अफगानिस्तान को भी अपने 2 मैच हारने पड़ेंगे। बस यही वो समीकरण है जो ये बता रहा है कि टीम इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। फिर एक बार 2011 की तरह सेमीफाइनल में टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाएगी और फिर अगले मैच में फाइनलिस्ट को हराकर वर्ल्ड कप उठाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाता है, क्या क्रिकेट में एक और करिश्मा हो पाता है और क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाता है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय हो कॉमेंट करके जरूर बताएं।